अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू लिली नास्टी सिटी। मैं जनाब आज बहुत खुश हूँ, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे। और क्यों मज़ा आ रहा है, वो इसलिए मज़ा आ रहा है कि मेरी बहुत सी फेवरेट लड़कियाँ, प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई हैं आज, और अभी हम बहुत मज़ा कर रहे हैं। और आप उनको जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, आपने उनको देखा हुआ है। और बड़ी मशहूर शख्सियत से सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, इंट्रोड्यूस नहीं, आपके सामने लाना चाहूँगी, सॉरी। देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि वो कौन है। ओके, हेलो। तो जनाब मुबीन आ चुकी हैं हमारे घर पे और हम आज हम ईद मनाएंगे। जब हम मिलते हैं तो हम सारी ईद मनाते हैं। यस, तो हम जनाब आज बहुत मज़ा कर रहे हैं। मेरी सारी कज़न्स भी आई हुई हैं और हम बड़ा शोर मचा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ना, हमें भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा और हमने खाना खाया हुआ है। एक्चुअली ये रात का कोई क्या बजे हैं, 2 बजे रात के, 1:50, हाँ 2 बजने वाले। तो रात के 2 बजे अभी हमें दोबारा भूख लगी है। तो अभी हमने दोबारा खाया कि यार पुलाव बनाते हैं, तो पुलाव बनाते नहीं हैं बल्कि बनवाते हैं। तो हमने भाभी को बोला है कि आज पुलाव बनाएं अभी दोबारा से, तो वो बेचारी अभी रात को 2 बजे पुलाव बना रही है और अभी हम खाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। पता नहीं आपको इस वक्त कैसा बनेगा। वैसे आपको भूख लगी है? बहुत ज़्यादा लगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी। मैंने मेहंदी नहीं लगाई, तो मुझे मेहंदी कोई लगा दे आज। सही है, समरा आती है ना, तो फिर हम उससे मेहंदी भी लगवा लेते हैं। आज मैं मेहंदी लगवा ही लूँगी फाइनली। यार ईद पे मैंने बिल्कुल नहीं लगाई है, तो आज हम लगा लेते हैं। मतलब जब मौका मिले मेहंदी लगा लेनी चाहिए। किसी ने नहीं बोला कि सिर्फ शादी पे मेहंदी लगानी चाहिए या फिर ईद पे मेहंदी लगानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब मौका मिलता है तब हम मेहंदी लगाते हैं। सो वेट करते हैं, समरा थोड़ा बाहर गई है, वो वापस आए तो फिर हम मेहंदी लगाते हैं। यार लेट रहो इधर, बस थक गई हूँ मैं खड़े हो के बातें करके। तुम लोगों को खड़े हो के बातें करने में क्या मज़ा आता है, मुझे समझ नहीं। बैठ बैठ के हम थक गए ना, गाड़ी में बैठ गए। हमारे हाथ में क्या है, ये है कुछ, ये याद है आपको, आपको देनी थी मैंने, बहुत मुझे देनी थी, तो बहुत अच्छी बात है। पर कौन सी देनी थी याद करें, चैलेंज था मेकअप चैलेंज। वीडियो देखी है ना आपने, कौन जीता था उसमें, कौन जीता था? मैं कौन जीता था, मैं कौन जीता था बताओ सच मैं, और ये दूंगी आपको इतनी तुम अच्छी कि तुम जीती हो। और तो मुझे अच्छा इस बात का फैसला आप खुद करें, जाके देख लें आप मेकअप चैलेंज, ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज, और उसमें देख लें ये कौन जीता था। तो उसको मिलनी चाहिए, हाँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी। और इसको कितना टाइम गुजर गया, 2 मंथ ज्यादा, मंथ 3-4 मंथ गुजर गए और ये भी मुझे मिल रही है। ये कोई तरीका, मैं मिली नहीं थी ना आपसे, लेकिन नहीं मुझे याद था, मुझे याद था ये मैंने देनी है तो मैंने दी। थैंक यू सो मच, ओ मेरा बेबी जाओ, थैंक यू। मजे की बात ये है कि मेरी चॉकलेट्स खत्म हो गई थी और मुझे चॉकलेट मिल गई है, थैंक यू सो मच। मुझे आवाज नहीं आ रही, कैमरा शाय, आपको कोई नहीं मिलेगी चॉकलेट वॉकलेट। अच्छा ये मेरी खून पसीने की कमाई है, मैंने आपका साथ दिया था। किस खुशी में, किस तरह से, बस मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और मैंने अपने खास जो मेरे स्किल्स हैं उनको यूज करके मैं उसका मेकअप किया था और वो इतना अच्छा आया था, अच्छी तुम लग रही थी, है ना। मेरी आंखें थी जिससे आपने परफेक्ट मेकअप कर लिया। वो अच्छा, वो बसीरत थी मेरी, रूहानी बसीरत, आंखों से आपने देखा था, यम यम पुलाव इज हियर, थैंक यू सो मच। आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई है। चलो टूट पड़ते हैं इस पे फिर, हैं न जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे सारी उम्र, बहुत प्यार कर
सॉन्ग इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई नेल जो कि टूट चुका है यार, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मेरा नेल टूट गया। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माई एज वेल। Oh, I missed his nail. रात तो सारी हमारी चिल करने में ही गुजर गई और मैंने फिर मेहंदी नहीं लगाई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो फिर समरा ने बोला यार आओ मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊं, एंड फाइनली मेहंदी मुझे लग रही है, सो हियर यू गो। मुझे मेहंदी लगाने के बाद समरा ने दादू को भी मेहंदी लगाई है। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड अर्क नॉट मेहंदी एंड आई फाइंड इट सो ब्यूटीफुल से माशाल्लाह। प्लीज फाइनली मैंने मेहंदी लगवा ही दी, यू कैन सी मेरी कज़न ने लगाई है, इतनी प्यारी प्यारी, अब तो उतर भी रही है, काफ़ी अच्छा कलर है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है इसको, बट काफ़ी अच्छी, यू कैन सी हियर स्माइल हेयर एलिनास्टिसिटी एंड यस ये भी तो हमारा डिज़ाइन है ना, ये भी तो देखें आप।
एंड पाँव पे भी लगाई है. आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने पाँव पे मेहंदी लगाई है. लाइक मेरी कज़न कहती नहीं यार तुम आज लगा ही रही हो तो अब तुम सब जगह लगाओ ना, अब तुम पाँव पे भी लगाओ. तो मैंने पाँव पे भी लगा ली और मुझे अच्छा लग रहा है. बस अब मैंने चेंज किया है एंड अभी हमने खाना खाया है, हमने बड़ा मज़ा किया, इन्जॉय किया. अभी हमने पिक्चर्स भी थोड़ी सी बना ली हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने मेहंदी लगा ली है. जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं मेहंदी लगाऊँ तब ईद हो जाती है. अभी मुझे लग रहा है कि जैसे ईद ईद है. थैंक यू इतनी प्यारी मेहंदी लगाने के लिए. मुझे ये सारी मेहंदी मुझे समरा ने लगाई है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी है. थैंक यू सो मच. ये मैंने खुद किया है, ये मैंने खुद लगाया है और ये सारी मेहंदी इसने लगाई है. समरा तुमने मुझे ईदी दी थी. ये मोबाइल मुझे ईदी में मिल गया है. थैंक यू सो मच समरा. इसको मैं वापस नहीं करूँगी. कितने का बिक जाएगा मोबिन? 15-10. अच्छा ठीक है यार, काफ़ी है, मतलब गुजारा हो जाएगा मेरा. बस ठीक है, बहुत है बहुत है. वैसे भी मेरा आजकल मोबाइल ज़रा काम सही नहीं कर रहा था ना, तो मैं ये ले लेती हूँ. ठीक है, थैंक यू समरा, अल्लाह हाफिज़. जा रही हो? हाँ जी मैं जा रही हूँ वापस. आई मिस यू टू. मुझे इतना मज़ा आया आज. मुझे भी बहुत मज़ा आया. रात को भी बहुत मज़ा आया, अभी भी बहुत मज़ा आया. इतने गॉसिप्स हमने किए, इतनी मज़े की बातें की हैं. ज़्यादा हमने व्लॉग श्लॉग इतना वो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज हम लोग मज़ा कर रहे थे बहुत ज़्यादा. काफ़ी टाइम बाद मिले हैं ना, तो समरा तो बीच में से आई थी, तुम लोग नहीं आए थे. तो मुबीन तुम ऑन हो किसी दिन, फिर हम इंजॉय करेंगे. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा शायद पर्सन की वजह से मज़ा आया. हम तो वैसे ही हैं, हम तो कमाल ही नहीं है. बिल्कुल आऊँगी इंशाल्लाह जल्द. आना और यहाँ पे फिर रहने आना, फिर हम ज़्यादा सारे व्लॉग्स बनाएंगे. ठीक है, अपना ख्याल रखना. अब वाइब्स आ रही है ना, मतलब खुद बताओ यार, अब लग रहे हैं ना हाथ के, मतलब ईद गुजरी है. इससे पहले मुझे लग ही नहीं रहा था, फीलिंग ही नहीं आ रही थी, वाइब्स ही नहीं आ रही थी. अब आ रही है, हालांकि इतना कलर नहीं आया जितना मुझे आता है. वैसे मुझे काफ़ी डार्क कलर आता है, बट इस मेहंदी का इतना ज़्यादा कलर नहीं था बिकॉज शायद इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मैंने 2-3 घंटे ही लगाई, उसके बाद मैंने वॉश कर ली थी. बट आई एम लविंग इट. लाइक मेरी कज़िन ने बड़ी अच्छी लगाई है, नहीं है ना? एंड हाँ पाँव पे भी लगाई है, वो भी दिखा देती हूँ. ये देखें जनाब कितनी प्यारी लगी है, आई लव इट. मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने ये मेहंदी इस तरह से लगाई है और यू कैन सी हियर कि मैंने थोड़ी सी ग्राफिक्स भी किए हैं. अच्छा लग रहा है अब, मतलब मोबाइल पकड़ने में ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना. पाँव पे भी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने पहले कभी भी नहीं लगाई और फर्स्ट टाइम ही पाँव पे भी, वो भी कज़न के इंसिस्ट करने पे लगवाई है. जो मैंने रोला डाला हुआ था ना जब से ईद हुई है कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई, वो मैंने लगा ली है. तो अब मुझे सुकून हो गया, अब मेहंदी लग गई है. हालांकि काफ़ी फेड है तो ऑलरेडी ये उतर जाएगी कुछ दिनों में, बट कोई मसला नहीं. अब मेरे दिल में शांति आ चुकी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम ओके विद इट. हमने आज बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और बड़ा मज़ा आया. हालांकि मेरी ईद भी काफ़ी अच्छी गुजरी थी, उसमें भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया था. बट क्योंकि थर्ड डे मैं इन्जॉय नहीं कर सकी थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया था. और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस मेहंदी की है. ओ माई गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड. आई जस्ट लव मेहंदी. आई एम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको मेहंदी बहुत पसंद है. पता नहीं वो कौन सी लड़कियाँ होती हैं जिनको मेहंदी नहीं पसंद होती. वैसे मेरी मामा को भी मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद, वो उन लड़कियों में से थी और हैं. लाइक अभी तो वुमेन है ना, लेकिन यार उन्होंने कभी मेहंदी नहीं लगाई. मैं मुझे इतना दिल करता है ना कि मैं उनको मेहंदी लगाऊं, वो कभी भी मेहंदी नहीं लगाती. मैंने कभी उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई देखी नहीं है. तो शी डज नॉट लाइक मेहंदी और हिना, बट आई लव मेहंदी. तो अपने अपनी चॉइसेस, बट आई जस्ट लव इट. और मैंने कहा कि ये अपडेट ज़रूर दूँ क्योंकि हर वीडियो में मैंने ये बार बार रोना डाला हुआ था कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई. तो मैंने कहा कि सबको बताऊंगी यार मैंने मेहंदी लगा ली. जनाब जब हम मेहंदी लगा लेते हैं उसी दिन ईद हो जाती है. ठीक है, यह है बाबा लीना का फरमान, इसको पल्ले बांध दीजिए. और अगर आपने भी मेहंदी नहीं लगाई तो आप भी इसी वक्त उठें और मेहंदी लगा लें, बिकॉज जब भी आप मेहंदी लगाएंगे वही दिन ईद का होगा. और खुशियाँ बांटें, मुस्कुराएँ, यही है लाइफ. आगे का कुछ पता नहीं, अगली ईद पर मैं होंगी नहीं होंगी, आप होंगे नहीं होंगे, तो जो है आज ही है, जो करना है आज ही करना है, जो दिल कर रहा है करो और इन्जॉय करो. जस्ट दिस इज़ माई मैसेज. तो जनाब अभी सब चले गए हैं, मेरी कज़न्स भी चली गई हैं एंड काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ, यू नो, एंड आई एम मिसिंग देम अ लॉट. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.